I don't know who created it, if it was Future or Migos, but all them niggas sound the same. Yeah. मंबल रैप हिप हॉप का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सब जॉनरा है, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मनी, फीमेल्स और ड्रग्स के बारे में बात होती है। और अब देसी हिप हॉप में एमसी स्टैन ने भी मंबल रैप करना स्टार्ट कर दिया है, जिसके लिए कुछ लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे भी है जिनको मंबल रैप पसंद नहीं है और इसी वजह से वो एमसी स्टैन को हेट करने लग रहे हैं। तो हमेशा से हिप हॉप में ये एक बहुत ही बड़ी डिबेट रही है, जिस पर हिप हॉप के जो ओजी रैपर्स है वो भी डिवाइडेड है। तो आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या सचमुच मंबल रैपर्स इतना ज्यादा हेट डिजर्व करते हैं या नहीं। लेकिन 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 इससे पहले कि मुझे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए किसी बाबा का टोटका अपनाना पड़ जाए, जल्दी से तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बढ़ते हैं आगे वीडियो में। मंबल रैप हिप हॉप का एक ऐसा सब जॉनरा है जिसमें लिरिक्स सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं किए जाते हैं, राइम स्कीम भी बहुत ही बेसिक होती है और हमेशा मनी, फीमेल्स और ड्रग्स के बारे में बात होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इंटरनेशनल हिप हॉप में ये जॉनरा बहुत ही ज्यादा ब्लो अप हो रहा है और फ्यूचर, लिल याची, लिल पंप, लिल उजी वर्ट, मीगोज और कोडाक ब्लैक जैसे मंबल रैपर्स के ट्रैक टॉप चार्ट्स हिट कर रहे हैं। और अब एमसी स्टैन ने भी देसी हिप हॉप में मंबल रैप करना स्टार्ट कर दिया है, जहां पर उसके ऑलरेडी 5 से 6 मंबल ट्रैक आ चुके हैं और मेरी प्रिडिक्शन है कि उसकी जो एल्बम आने वाली है इंसान, उसमें भी मैक्सिमम ट्रैक्स मंबल ही रहेंगे। तो अब हम जानते हैं कि मंबल रैप स्टार्ट कैसे हुआ और किसने किया। मंबल रैप ये फ्रेज इन्वेंट किया था वी लैट टीवी के एक जर्नलिस्ट ने 2014 में, पर जब विज खलीफा ने अपने एक इंटरव्यू में इस फ्रेज को यूज किया, तब से इस फ्रेज को पॉपुलैरिटी मिलना स्टार्ट हो गई। We call it mumble rap. Oh, so y'all got a name for it? Yeah, me and my homies. I mean, it ain't no disrespect to the little homies, but like they know what's up. They say that. Hip hop में एक बहुत ही फेमस लीन कल्चर है, जो कि एक ब्लू कलर की ड्रिंक होती है और ये एक टाइप का ड्रग ही होता है। मे भी आप लोगों ने बहुत सारे हिप हॉप ट्रैक्स में इस ड्रिंक को नोटिस भी किया होगा। तो जब रैपर्स अपने ट्रैक रिकॉर्ड करने से पहले इस ड्रग्स को लेते थे तो उनकी जबान फिसलने लगती थी और वो अपने कोई भी लिरिक्स सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे और इसी वजह से वो मम्बलिंग करना स्टार्ट कर देते थे। और लिल वेन ऐसे पहले रैपर थे जिन्होंने 2009 में अपने एक ट्रैक में मंबल रैपिंग की थी। यस गाइज, लिल वेन जिन्हें वन ऑफ द ओजीज में से माना जाता है, और इसी ट्रैक के लिए लिल वेन को ग्रैमी अवार्ड भी मिला था। और उसके बाद में धीरे धीरे मंबल रैप इवॉल्व होता गया। अब जानते हैं ऐसे रैपर्स जिन्हें हिप हॉप में गोट या फिर ओजी माना जाता है, उनका इस पर क्या टेक है। तो एमिनम, स्नूप डॉग, जेईजी और 50 सेंट जैसे ओजी रैपर्स हमेशा से मंबल रैप को क्रिटिसाइज करते आए हैं और सेवरल टाइम्स इन्होंने अपने ट्रैक्स और इंटरव्यूज में मंबल रैप को डिस भी किया है। बट ऑन द अदर हैंड, रैपर्स जैसे कि केंड्रिक लमार, जे कोल, इन्होंने पब्लिकली मंबल रैप को सपोर्ट भी किया है। केंड्रिक लमार ने अपने एक फोर्ब्स को दिए गए इंटरव्यू में माना कि मंबल रैप भी हिप हॉप का एक पार्ट है और जो न्यू स्कूल रैपर्स है उन्हें भी ओजीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जे कोल ने भी अपने एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि मंबल रैप लिरिकल रैप से ही इवॉल्व होकर बना है और मंबल रैपर्स को भी बाकी रैपर्स की तरह रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं कि लोग मंबल रैप को इतना हेट क्यों करते हैं।
Eminem जो कि मंबल रैप को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, उन्होंने 2018 में अपने डिस ट्रैक किल शॉट में MGK को एक मंबल रैपर कहकर कॉल आउट किया। I'm an actor, homie. How disconnected are you? Call me a mumble rapper? Oh my. Yeah, that was like, stupid. तब से हिप हॉप में एक ट्रेंड सा बन गया जहां पर लोगों ने मंबल रैपर इस फ्रेज को एज एन इंसल्ट और अब्यूज की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया। और लोगों को किसी भी वजह से अगर कोई रैपर पसंद नहीं आता था तो वो उस रैपर को मंबल रैपर कहना स्टार्ट कर देते थे। यही सेम ट्रेंड हम देसी हिप हॉप में भी नोटिस कर सकते हैं, जहां पर ऑडियंस ने लोका को मंबल रैपर कहना स्टार्ट कर दिया है जबकि वो मंबल रैपर नहीं है। और ऑडियंस का मानना है कि मंबल रैप कहीं ना कहीं एक ओवरऑल हिप हॉप के इम्पैक्ट और एसेंस को खत्म कर रहा है। अगर बात करें मेरे पर्सनल ओपिनियन की, मुझे पर्सनली लगता है कि मंबल रैप और लिरिकल रैप दोनों ही साथ में को एग्जिस्ट कर सकते हैं। बस मंबल रैपर्स को अपने लिरिक्स पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे एमसी स्टैन करता है। एमसी स्टैन अपने ट्रैक्स में मंबलिंग तो करता है पर साथ ही साथ उसके ट्रैक्स में लिरिक्स भी अच्छे होते हैं। और जो लोग एमसी स्टैन को सिर्फ इस वजह से हेट कर रहे हैं क्योंकि वो मंबल रैप करता है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि लिल वेन और XXXTentacion जैसे OG रैपर्स ने भी अपने ट्रैक्स में मंबल रैपिंग की है और उनकी सब रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन। तुम लोग को इस पर क्या लगता है? क्या तुम मुझसे अग्री करते हो या फिर तुम्हारा कुछ अलग ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो में हम एम रखते हैं 7 लाइक्स का। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और नेक्स्ट वीडियो तुम किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही हिप हॉप से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।